एक तरफ पूरे देश में अलीगढ़ में हुए मासूम से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में आक्रोश भड़का हुआ है, तो वहीं वाराणसी के वरुणा शास्त्री घाट पर युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में कैंडल लेकर ट्विंकल के लिए इंसाफ की मांग की। आपको बता दें कि मासूम से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और पीएम के संसदीय क्षेत्र में जगह जगह लोग कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा फाउंडेशन ने गुहार लगाई, कब तक चिल्लाती रहोगे, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, कब मेरी आवाज सुनोगे, ट्विंकल को जल्द से जल्द न्याय दो, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ट्विंकल हो या आसफा, बेटी इंसान की है और बात आज इंसाफ की होगी। परिचय दीजिए अपना। किस कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में था ये? अलीगढ़ में हुए 2.5 साल की बच्ची जो ट्विंकल थी उसके साथ जो निंदनीय जो घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोगों ने अपने पूरे मित्रों के साथ यहाँ पे निःशब्दता पूर्वक कैंडल मार्च निकाला और हम सभी काफ़ी ये है कि आगे भी ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसलिए हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया लेकिन एक भी शब्द बोला नहीं। इसका ये संदेश जाता है कि जो लोगों ने भी इसमें अपना जिन लोगों ने भी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी के साथ इतना किया है और चूँकि हम कहते आए हैं कि महिलाओं के साथ या पहले आसिफा का केस हुआ, अब ये ट्विंकल का हुआ, तो पहले हम कहते थे कि छोटे कपड़े पहनकर रात में घर से बाहर निकलकर जो भी घटनाएं होती थी, लेकिन इसके खिलाफ तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज ये 2.5 साल के बच्चे के खिलाफ जो भी घटना हुई है उसमें सभी लोग निःशब्द हैं, किसी ने भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए, हालांकि हम कुछ कह नहीं सकते और सरकार से हम सबकी यही अपील है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि अब मासूम बच्चियों के ऊपर निगाहें उठाकर देखने वालों की रूहें कांप जाए। हम जितने भी युवा खड़े हैं हम सबका यही अपील है और जो लोग हमें यहाँ मौजूद देख रहे हैं और देखेंगे भी, उन सभी सभी इस पर प्रयास करके हम सबका साथ दें और आवाज़ बुलंद करें ताकि आने वाले किसी भी बच्ची या बच्चे के साथ कभी ऐसी कोई घटना ना हो जिसके लिए हमें कैंडल मार्च निकालना पड़े। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।